रेडियो के चिटचैट शो के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है वो जिन्हें यूनेस्को ने बेस्ट पीएम की किताब से नवाजा है। तो मोदी जी, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मोदी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने भक्तों से बोल दीजिए इस वीडियो को देख के कोई गाली गलौज ना करे। मित्रों, बाकी जो मर्जी हो जाए पर गाल नहीं काटनी, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अच्छा मोदी जी, जैसे आपकी पिछली योजना है जीएसटी और नोटबंदी के पिट जाने के बाद, मतलब सॉरी हिट जाने के बाद, आपकी अगली योजना कौन सी है? जिस तरह सर्दी बढ़ रही है, हमारी नई योजना है गरीबों में कंबल और अमीरों में कोंडम बांटे जाएंगे। अरे मोदी जी, इसका प्रचार आप रात के 10 बजे के बाद कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? मित्रों, इस योजना से गरीबों में सर्दी और अमीरों में विकास कम पैदा होगा। वाह वाह मोदी जी वाह। अच्छा मोदी जी, 2002 में क्या हुआ? मोदी जी ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, 2002 में भगत सिंह पिक्चर आई थी, देखी थी क्या आपने? हाँ देखी थी, बहुत बढ़िया थी। अच्छा मोदी जी, जनता आपसे जानना चाहती है कि आप फॉरेन टूर बहुत जाते हैं, तो आपका अगला फॉरेन टूर कहाँ का होगा? मित्रों, अरे अरे मोदी जी, आपके लिए यूएस से वीडियो कॉल आ रहा है। यो मोहन, व्हाट्स अप? व्हाट्स अप माय ब्रो? सो मोदी, व्हेन यू आर कमिंग टू यूएस? अरे असिस्टेंट, हमारी कल के यूएस की टिकट बुक करा दो। अरे अरे मोदी जी, आपके लिए आपके मुल्ले से भी एक वीडियो कॉल आ रहा है, जरा देखिए तो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। मित्रों, ये हमारी काम वाली मुन्नी माई है, हमने इसे कहा था अपने झाड़ू पोंछे को आधार से लिंक करा दो, इसने नहीं कराया तो हमने इसे काम से निकाल दिया। वाह मोदी जी वाह। अच्छा मोदी जी, आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मित्रों, कल रात 12 बजे के बाद हमारा नेशनल एनिमल बदलकर गाय हो जाएगा। ऐसा क्यों मोदी जी, गाय ही क्यों? इसका कारण हमारा चेला बताएगा। क्यों घोषित किया जाना चाहिए कि गाय मोर जो है, मोर की मोर नेशनल बर्ड है, मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुपकर गर्भवती होती है। अच्छा मोदी जी, जनता जानना चाहती है कि आने वाले समय में अगर हमारा भारत से ऑयल आना बंद हो गया तो हमारे पास एनर्जी का और कोई स्रोत है क्या? मित्रों, हमारे पास है विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी। अरे मोदी जी, अगर कल को हवा चलनी बंद हो गई और सूरज के आगे बादल आ गए, फिर क्या करेंगे हम? मित्रों, वीड एनर्जी। मित्रों, मेरी बग्गी, मेरा घोड़ा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो थोड़ा। जी जी मोदी जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ यहाँ आके? अरे क्या बताएं। अरे जिस तरह सर्दी बढ़ रही है भैया, तो क्या यार, हमारी तो यही योजना है, गरीबों में कंबल और अमीरों में कंडम बांटे जाएंगे। अब आज क्यों रहा है?